बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का दिन माना गया है। शनिवार का व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और सभी तरह के कष्टों का अंत होता है। जिस व्यक्ति पर शनि दशा होती है उस व्यक्ति को शनिदेव का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दशा का प्रभाव भी कम होता है। शनिदेव भगवान के व्रत के पौराणिक कहानियाँ क्या है, आइए हम आपको सुनाते हैं। प्रेम पूर्वक सुनिए, बोलिए शनिदेव भगवान की जय। हम शनिदेव भगवान किया महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। शनिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शनिदेव भगवान किया महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। शनिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
शुरू हो गई महादशा। शनि देव घोड़े के व्यापारी कातब भेष बनाए, व्यापारी बन विक्रमादित्य के राज में वो आए। राजा को जब पता चला तो अपने पास बुलाया, शनि देव से घोड़े खरीदे कुछ खास राजा ने। एक दिन राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठा, जब जंगल की तरफ भागा घोड़ा और हो गया गायब। जंगल में फिर राजन अकेले रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। शनिवार के व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चोरी में
सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।